बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि पिछली लेक्चर नंबर वन में हमने यूनिट नंबर वन का फर्स्ट पैराग्राफ स्टडी किया था, इसलिए आज की इस वीडियो में जो रिमेनिंग उस फर्स्ट पैराग्राफ का हिस्सा रह गया हम उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने इसकी स्टडी कर ली थी। ठीक है, आगे यहाँ से हम लोग आगे जो है इस पैराग्राफ का नेक्स्ट हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, तो आज यहाँ से हम इसकी स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीडिंग करूँगी, फिर वर्ड्स को अंडरलाइन करूँगी और इसके बाद फिर आपको ट्रांसलेशन कराऊँगी। ठीक है जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ही ट्रीटेड एवरी टर्न योर पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर टू पे, इसका जो हाफ हिस्सा है वो पेज नंबर टू पे है। ही ट्रीटेड एवरी वन यंग एंड ओल्ड विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्प्रेड द वर्ड ऑफ अल्लाह एंड चेंज सोसाइटी पॉजिटिवली। मैनी अरब्स विद अ नेगेटिव थिंकिंग फेल्ट दैट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर ओल्ड आइडल्स एंड दे देमसेल्व्स वर लूजिंग पावर। दे टर्न अगेंस्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे स्टार्टेड हरासिंग हिम इन एवरी पॉसिबल वे। ठीक है, यहाँ तक बेटा जी आपका सेकेंड पैराग्राफ ख़त्म होता है, सॉरी फर्स्ट पैराग्राफ आपका यहाँ तक ख़त्म होता है। ठीक है, इसका ये दूसरा हिस्सा था, तो यहाँ तक इसकी रीडिंग हमने कर लिया। आप जितने इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं हम उनको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, पेज पीछे कर लें, अपना टर्न बैक कर लें। सबसे पहले ट्रीटेड को हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ट्रीटेड, फिर पेज आगे टर्न करेंगे, पेज नंबर टू पे, यंग वर्ड ऑफ अल्लाह चेंज सोसाइटी एंड पॉजिटिवली नेगेटिव थिंकिंग फेल्ट बिकॉज losing power turn against started harassing। ठीक है, क्या वर्ड है? harassing possible and movie। बच्चों हमने अब वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया, अब हम इन्हीं वर्ड्स के उर्दू मीनिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन करने के लिए हमें मीनिंग आने चाहिए। अगर हमें उर्दू मीनिंग अच्छी तरह से आएंगे तो ट्रांसलेशन में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब चलते हैं उर्दू मीनिंग की तरफ। ये बच्चों जिस पैराग्राफ की मैंने रीडिंग की है, जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया था उन्हीं वर्ड्स के जो है वो मीनिंग आपके सामने उर्दू में लिखे हुए हैं। इनकी स्टडी एक दफ़ा कर लेते हैं। ट्रीट का मतलब होता है पेश आना। ठीक है, सलूक करना, यंग नौजवान को कहते हैं। वर्ड ऑफ अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का पैगाम। चेंज तब्दील करना। सोसाइटी का मतलब होता है माशरा। पॉजिटिवली मस्बत अंदाज, नेगेटिव मनफी थिंकिंग सोच को कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगा मनफी सोच। फेल्ट महसूस किया, बिकॉज क्योंकि लूजिंग खो देना। पावर ताकत, टर्न हो गए अगेंस्ट खिलाफ, टर्न अगेंस्ट खिलाफ हो गए। ठीक है, ये एक ही वर्ड बनता है। हरास तंग करना, स्टार्ट शुरू करना। पॉसिबल मुमकिन वे तरीका। ठीक है, ये बेटा जी आपके फर्स्ट पैराग्राफ का जो सेकंड पार्ट था उसके वर्ड मीनिंग है। ट्रांसलेशन करने से पहले अगर आप इन वर्ड मीनिंग को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपकी ट्रांसलेशन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, जब आप बुक की तरफ वापस चलते हैं। चलें जी बच्चों बुक पे वापस आ जाएँ, पेज नंबर वन है, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड पेश आते एवरी वन हर एक से। ही ट्रीटेड एवरी वन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से पेश आते। ठीक है, आप पेज टर्न कर लेंगे, पेज नंबर टू पे आ जाएंगे। एवरी वन हर किसी से, यंग नौजवान एंड ओल्ड बूढ़े से, विद काइंडनेस रहमदिली से एंड और रिस्पेक्ट इज्जत से। ठीक है, काइंडनेस का मतलब हम रहमदिली भी कर सकते हैं और मेहरबानी कर सकते हैं। विद काइंडनेस मेहरबानी से एंड रिस्पेक्ट और इज्जत से। ही ट्रीटेड एवरी वन यंग एंड ओल्ड विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान और बूढ़े हर एक से मेहरबानी और इज्जत से पेश आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक नौजवान और बूढ़े से मेहरबानी और इज्जत से पेश आते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्प्रेड फैलाया द वर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला का पैगाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्प्रेड द वर्ड ऑफ अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम फैलाया एंड और चेंज तब्दील कर दिया सोसाइटी माशरे को पॉजिटिवली मस्बत तरीके से। एंड चेंज सोसाइटी पॉजिटिवली और माशरे को मस्बत तरीके से तब्दील कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्प्रेड द वर्ड ऑफ अल्लाह एंड चेंज सोसाइटी पॉजिटिवली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम फैलाया और माशरे को मस्बत अंदाज में तब्दील कर दिया।
मैनी एयर्स बहुत से अरबों ने विद अ नेगेटिव थिंकिंग मनफी सोच के साथ फेल्ट ये महसूस किया। मैनी एयर्स विद अ नेगेटिव थिंकिंग फेल्ट बहुत से अरबों ने अपनी मनफी सोच के साथ ये महसूस किया दैट के बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्बत तौर तरीके की वजह से दैट बिकॉज की वजह से ऑफ द पॉजिटिविटी मस्बत तौर तरीके ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दैट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी ऑफ हज़रत मोहम्मद कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्बत तौर तरीके की वजह से देयर ओल्ड आइडल्स उनके पुराने बुत देयर ओल्ड आइडल्स उनके पुराने बुत एंड और दे देम सेल्व्स उन्होंने खुद वर लूजिंग पावर देम सेल्व और वो खुद वर लूजिंग पावर ताकत खो रहे थे वर लूजिंग खो रहे थे पावर ताकत देर ओल्ड आइडल्स एंड दे देम सेल्व वर लूजिंग पावर के उनके पुराने बुत और वो खुद ताकत खो रहे थे। मैनी एरर्स विद द नेगेटिव थिंकिंग फेल्ट दैट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर ओल्ड आइडल्स एंड दे देम सेल्व वर लूजिंग पावर। बहुत से अरबों ने अपनी मनफी सोच के साथ ये महसूस किया कि उनके पुराने बुत और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्बत तौर तरीका की वजह से तौर तरीके की वजह से अपनी ताकत खो रहे थे। ठीक है, एक दफ़ा फिर कर लेते हैं कि बहुत से अरबों ने अपनी मनफी सोच के साथ ये महसूस किया कि उनके पुराने बुत और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्बत तौर तरीके की वजह से अपनी ताकत खो रहे थे। दे वो टर्न हो गए अगेंस्ट के खिलाफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे टर्न अगेंस्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए। ठीक है, कौन जो अरब के लोग थे, ठीक है, अरब के काफ़र थे, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए। दे उन्होंने स्टार्टेड शुरू कर दिया हरासिंग तंग करना हिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन एवरी पॉसिबल वे हर मुमकिन तरीके से इन एवरी हर इनका मतलब से पॉसिबल मुमकिन वे तरीके से दे स्टार्टेड हरासिंग हिम इन अ वेरी पॉसिबल वे उन्होंने हर मुमकिन तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके साथ ही बेटा जी यहाँ तक ट्रांसलेशन ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थर्ड पैराग्राफ पढ़ाऊँगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा जी मेरे पास रिटन फॉर्म में भी मौजूद है ये पैराग्राफ नंबर वन, उसका दूसरा हिस्सा जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपके सामने बच्चों रिटन फॉर्म में मौजूद है। अगर किसी बच्चों की समझ नहीं आती या आपको लफ्ज़ लिखना नहीं आता तो आप यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं। चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।